Or peshkash, up or up. Up or up, jinhe pretty piarul host kartihe, Washington DC Kijani Mani artist, Mr. Sipthan Kazmi. Mr. Kazmi is also the CEO of A Money Meta Mortgage Inc., located in Tyson's Corner, Virginia. Today he has alongside him a beautiful and a famous personality, Doctor Atiya Khan. Point of their dialogue and their discussion? Come close. Let's guys, आपके सामने हाजिर हैं आप और आपके एक और एपिसोड के साथ आज का हमारा जो एपिसोड है वो आपको जून सात को देखेंगे और जून सात की तारीख मैंने इस वजह से आ, पिक की है कि उस दिन एक बहुत अहम फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन अक्सर लोग इसको एच के नाम से जानते हैं और आज मेरी खुशकिस्मती है कि एच की चेयरपर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अतिया खान डॉक्टर खान कैसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हमारे शो पे आए और हमारे शो को कहते हैं ना कि चार चांद लगा दिए गए आप अपना तारुफ कराइए आपका बैकग्राउंड डॉक्टर के नाम से अतिया खान तो यू आर मेडिकल डॉक्टर और अगर मेडिकल तो किस फील्ड में पीडियाट्रिक्स में मैं काम करती हूँ अभी तक प्रैक्टिस में हूँ अच्छा अच्छा और उसके अलावा ये चेयरपर्सन ऑफ एच डी एफ भी हूँ तो इन, ये काम भी करती रहती हूँ घर का काम भी है घर का काम of course. <laughs> अब आपने की की बात की, what is HDF? बहुत से लोग वाशिंगटन में एक्चुअली एच डी एफ से मुतारफ़ हैं अच्छा काफी दिनों से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पंद्रह सोलह साल से तो ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है ये एक एन जी ओ है जो पाकिस्तान में लोगों को अपने पाँव पे खड़े होने की तरगीब देने के लिए जो वहाँ पे गरीब लोग हैं जो तबका अनएजुकेटेड है उनके लिए हम लोग हेल्प करते हैं और हमारे पांच प्रोग्राम्स वहाँ पे चलते हैं जिसमें तालीम सेहत और ये जो है बिजनेसेस शुरू करना मतलब अपने पाँव पे खड़े होने के लिए पावर्टी रिडक्शन और उसको हम लोग करते हैं सोशल मोबलाइजेशन से यानी लोगों को पढ़ाना ये बताना कि में क्या क्या राइट्स हैं में क्या ख़ूबियाँ हैं तुम क्या कर सकते हो और उनको हेल्प करते हैं हम उनको जाके पैसे नहीं देते कभी सिखाते, सिखाते हैं।, हैं और वो लोग हमारे पार्टनर होते हैं हर चीज़ और इसमें अब तक कितनी कामयाबी आपको हासिल हुई है? माई गॉड सप्तन यू एस मी इन द्वेश्चन दैट आई एम सो इम्प्रेस माई सेल्फ अच्छा इतनी हमें खुशी होती है देख के कि जो इम्पैक्ट है वो इतने से काम से जो हम लोग यहाँ करते हैं थोड़ा सा काम करते हैं उसकी वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि जिसकी कोई हद नहीं wow. हमने क्या किया कि हमने पहले स्टडीज़ की शुरू में काम करने से और फिर पाँच साल बाद किए फिर दस साल बाद और एक दो एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगी कि जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं जो बच्चे mm -hmm. पहले साल में एक हजार अगर बच्चे पैदा हों तो पचासी पहले साल में यू ही मर जाते हैं पाकिस्तान में विदाउट एनी एन ऑल बिकॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज तो वो हमारे एरियाज में अब ट्वेंटी हो गया है 85 से डिक्रीज हो रियल बिग अचीवमेंट आई मस्ट आई एम सो इम्प्रेस आई वाज शॉर्क माई सेल्फ टू सी एंड देन एक और एग्जांपल ये है कि जैसे एनरोलमेंट बच्चों का स्कूल में वहाँ पर सिर्फ फिफ्टी परसेंट बच्चे जो हैं वो स्कूल में इनरोल होते हैं और फिर उनमें से फोर्टी वन परसेंट जो है वो चले जाते हैं। हाँ ड्रॉप आउट हो जाते हैं हमारे स्कूलों में एट्टी सिक्स परसेंट इनरोल होते हैं हमारे प्रोजेक्ट एरियाज में अच्छा और सिर्फ टू परसेंट ड्राप आउट होते हैं सो so, थोड़ी सी एग्जांपल्स ये हमने एक मिलियन डॉलर लोगों को कर्जे में दिए हैं जिससे छः हजार बिजनेस शुरू हो चुकी हैं तो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मैं अकेले इंसान के काम तो नहीं है नहीं ये, नहीं। तो आपकी जो टीम है वो अमेरिका में है कि पाकिस्तान में अच्छा ये ये भी बड़ा अच्छा सवाल है हमारे दोनों जगह बोर्ड्स हैं अच्छा एक जगह तो यहाँ पर जो बोर्ड है हमारा उसमें पंद्रह लोग हैं पाकिस्तान में भी बोर्ड में नौ लोग हैं मगर बोर्ड के अलावा हमारे पास एट से ऊपर एम्प्लॉज हैं पाकिस्तान पाकिस्तान ये काम करते हैं इन ऑल ओवर पाकिस्तान ऑल ओवर पाकिस्तान सारे प्रोविंसेस में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं achha, और achha. 330 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं 800000 से ज्यादा बेनिफिशरीज हैं

अच्छा। अब जैसे 7 जून को हमारा फंड रेजर है 8 को न्यूयॉर्क में है आज हमारा फंड रेजर डिट्रोइट में है कल सिलिकॉन वैली में है तो हमारे हर शहर में फंड रेजर्स होते हैं वी रेज अबाउट 2.5 मिलियन डॉलर्स एंड पर ईयर अच्छा एंड देन वी हैव टू वर्क इन पाकिस्तान इन ऑल दिस पीपल और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो जो आपका कुछ साथ देती है इसमें नहीं पाकिस्तान हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक और आपको जरूरत नहीं उनसे कि वो आपकी मदद करें या ना करें यू वांट टू डू एज एन इंडिपेंडेंट कि आप अच्छा और आपके जो फंड रेजर्स के जैसा आप देखा आज डिट्रॉइट में है अटेंडीज आपके मोस्टली डॉक्टर्स हैं या कौन नहीं डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन से ये शुरू हुआ था मगर हमने ख़ास तौर पर एच इसलिए बनाया था कि बाकी लोग भी आ सकें तो हमारे ज़्यादातर डोनर्स जो हैं वो तो होते हैं मगर अटेंडीज सब लोग होते हैं हर तरह के लोग लॉयर्स अकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स जो भी आप नाम लें ड्रामा करने वाले लोग बिजनेस वाले सब आते हैं हमारे ढाई मिलियन डॉलर आप इकट्ठा कर रहे हैं साल का और अगर आपने कहा बीस तीस फंड तो उसमें मेहनत बहुत उनको इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जी। तो आप उसमें भी आपका हाथ है एक दफा आपने मुझे भी मौका दिया था एंड आई वाज वेरी ऑनर आई वॉज फून को है इसके बारे में बात करते हैं कि कहा है पहली बात तो पहली बात ये कि ये मैरियट कॉर्नर पे जो है उस होटल में है अच्छा। और छह एग्जिट लेकर तो, राइट पे जो आ जाता है है ठीक तो इसमें हमने अच्छी बात ये रखी है कि पहले अनवर मकसूद और अंसारी जिनको पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जानते हैं वो लोग आ रहे जी जी और हमारे एम्बेसडर साहब भी आ रहे हैं जिलानी जिलानी साहब तो जीानी साहब ने बहुत ग्रेसियसली एक्सेप्ट किया है एंड ही विल बी देयर आल्सो तो अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी की वजह से हम लोगों ने एक प्रोग्राम एक घंटा पहले शुरू करेंगे ताकि लोग आके उनसे बातचीत कर सकें फ़ोटोग्राफ्स उनके साथ ले सकें वगैरह फिर सात बजे हम प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें फिर इंशाल्लाह और ये कब से कब तक का सिलसिला है ये सिलसिला चलेगा शायद एंटरटेनमेंट ग्यारह बजे तक साढ़े ग्यारह बजे तक ठीक है और छः हाँ ये जो मैं फ्लायर देखा देख रहा हूँ खातन हजरात प्लीज हिंदी में कहते हैं बिनती उर्दू में कहते हैं गुजारिश <laughs> और अगर ज़्यादा उर्दू में जाएँ तो एक एकजा है कि इस इवेंट को ज़रूर आप तशरीफ लाइए और बल्कि इससे पहले बताऊँ इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है एच डी एफ का एच डी एफ में इस दफ़ा हम लोग हर दफ़ा ये करते हैं कि एक प्रोजेक्ट कोई लेते हैं उसको स्पॉन्सर करते हैं एक जगह का तो पिछले साल डी सी के लोगों ने टंडू मोहम्मद खान के प्रोजेक्ट को के रनिंग एक्सपेंसिस को किया था अच्छा इस दफ़ा हमने सोचा है कि टंडू मोहम्मद खान में ही एक विलेज है वालियो कोली, जिसमें मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर हिंदू रहते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि माइनॉरिटी को हम इस दफ़ा क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ

चीज़ें खरीद के दें कि आप अपना मंदिर तो बनाए एंड हाँ हा। uh, तो बहुत अच्छे लोग हैं बहुत पाकिस्तानी हैं हाँ हा। तो मगर उनको हेल्प की जरूरत है तो उन लोगों का सबसे ज्यादा क्या है uh, कुछ भी नहीं बेचारे करते वो गरीब हैं वो फार्म फार्मिंग करते हैं थोड़ी सी थोड़ा सा वो अपने जानवर पालते हैं उसके दूध बेचते हैं हाँ हा। इस तरह की बातें भाई जैसा मैं पहले गैस कर रहा था बहुत अरसे के बाद ऐसी एक मुलाकात हो रही है डॉक्टर अतिया ख़ान से कि जो लोग यहाँ बैठ कर अमरीका में अपने मुल्कों से मोहब्बत करते हैं और ऐसे काम करते हैं मेरा जैसा शख्स श्यास तो इस काबिल ही नहीं कभी ज़िंदगी में कि ऐसा इतना बड़ा काम उठाऊँ लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जनाब सात जून दो हज़ार चौदह द मैरियाट आ, 8028, एट जीरोनर में ये फंड रेजर हो रहा है एच डी एफ के ये जहाँ पर बशरा अंसारी और आ, अपना अंदर मकसूद साहब तशरीफ तो ला रहे हैं और <laughs> मेरी मेरी मतलब मैं मुझे मैं जो है ना मुझे <laughs> समझ में आ रहा <laughs> <नहीं> <laughs> अल, सा, कि मैं साह मकसूद साहब के बारे में क्या कहूँ मतलब इतना वो अजीम <laughs> इतने अजीम आर्टिस्ट और बशरा दोनों इतने इतने अजीम और इतने टैलेंटेड आ, लोग हैं कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम और वो इनका लूज स्टॉक होता था महरूम मोइन अख्तर साहब के साथ और आ, तो नहीं खाया होती ना इट विल बी अ फैंटास्टिक इवनिंग और मेरी आपसे गुजारिश कि ज़रूर इस शो में आइए इस फंड रेजर में आए सात जून को ये छः बजे शुरू हो रहा है अतिया खान हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ वक्त की पाबंदी की वजह से मैं इजाजत चाहूँगा डॉक्टर खान थैंक यू ओ सॉरी कुछ एक कही... बात अगर मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ बैठ के बहुत शिकायत करते हैं अपने मुल्क के बारे में कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है फराज साहब का एक शेर है कि तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते तो आज मैं आप सबको इन्वाइट करूंगी कि अपने अपने हिस्से की शमा जलाएं और वहाँ आकर देखें कि हम सब कैसे शमा जला रहे हैं थैंक यू सो मच लेके आवे ले जाए कूड़ी लेके आवे ले जाए